एक दिन में कितना बनाते हो, 10 क्विंटल की 20 क्विंटल? एक दिन में बस 1-2 क्विंटल की पैकिंग होती है। देखो झूठ मत बोलो यार, फिर अभी लिखा पढ़ी में हम मांगने लगेंगे कि कितने दिन का आटा है, बता दोगे कि ये किस डेट को बनाया था, ये किस डेट को बनाया था, ये वाला किस डेट को बनाया था? वो सच्चाई बताओ कि जब इतना बड़ा 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन लिए हो तो एक दिन में यदि चक्की चलाते हो तो कितना बनाते हो तुम? नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बिल्थरा रोड में आजमगढ़ फूड सेफ्टी विभाग द्वारा की गई छापेमार कार्रवाई, देखी गई अफरा तफरी। खबर जनपद बलिया के बिल्थरा रोड से। आजमगढ़ फूड विभाग टीम द्वारा बिल्थरा रोड में की गई छापेमारी से नगर के दुकानदारों में मचा हड़कंप। बिल्थरा रोड में खाद संबंधित दुकानदारों के शर्ट धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चेकिंग के दौरान सहायक खाद आयुक्त आजमगढ़ व सहायक खाद आयुक्त द्वितीय डॉक्टर बीपी मिश्रा ने जिले की टीम के साथ नगर के नई कॉलोनी में फुटकर सामान बेचने के लाइसेंस पर अवैध रूप से पंकज आटा व मसाला बड़े पैमाने पर तैयार होने की शिकायत पर अवैध रूप से चले लघु कुटीर उद्योग पर छापा मारकर आटा व हल्दी की सैंपलिंग ली गई। भारत मीडिया को सहायक खाद आयुक्त आजमगढ़ ने बताया। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा परिचय, मैं वीके पांडे, सहायक आयुक्त खाद्य आजमगढ़ मंडल हूँ। जी, आज बिल्थरा रोड में मौजूद हैं हम। आज कुछ पूर्व सूचना थी, शिकायत के आधार पर हम लोग यहाँ जनपदीय अधिकारियों की टीम के साथ दो खाद्य पदार्थ की निर्माण इकाइयाँ हैं, एक मसाला पीसने वाली इकाई है और एक आटा निर्माण करने वाली इकाई है, उसी के जाँच के सिलसिले में यहाँ आए। जाँच कर लिए सर? हाँ, जाँच की कार्रवाई चल रही है इस समय। और एक प्रतिष्ठान से गेहूं का आटा और एक प्रतिष्ठान से हल्दी पीसी का नमूना जांच के लिए लिया गया है। फर्म का कुछ नाम होंगे? एक फर्म का नाम आटा वाले का पंकज फूड्स है और मसाला निर्माण इकाई का कोई फर्म पंजीकृत नहीं है। तो जांच के दौरान जो है प्रथम दृष्टि आपको कुछ मिला? प्रथम दृष्टया संदेह पैकेजिंग लेबलिंग के उल्लंघन, मिथ्या छाप के संदेह पर नमूना लिया जा रहा है और बाकी जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि, जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगी कि इसमें कोई मिलावट की गई है कि नहीं। सर, जो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही एक्टिव है, जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मिलावट को रोकने के लिए विभाग के अधिकारी हमेशा सतत रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। त्योहारों पर विशेष रूप से अभियान चला करके प्रवर्तन की कार्रवाई, छापे डालकर नमूने लिए जाते हैं। उसके अतिरिक्त भी प्रत्येक माह नियमित अंतराल पर जांच पड़ताल, छापे, नमूने संग्रहण की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती रहती है। जब उनसे पूछा गया, फूड सेफ्टी खाद विभाग की तरफ से छापेमारी तो की जाती है, सैंपल भी ले जाते हैं, लेकिन उनके नतीजे कुछ दिखाई नहीं पड़ते हैं। सर, इसके कुछ नतीजे नहीं दिखाई पड़ते हैं सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? नतीजे निश्चित दिखाई देते हैं, यदि सोर्स पर, स्रोत पर प्रहार किया जाता है मिलावट के, जैसे निर्माण इकाइयाँ हैं, उत्पादक इकाइयाँ हैं, तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है और सुधार होता है। जैसे सर, नमूने वगैरह लिए जाते हैं तो इसका जांच तो होता ही होगा? बिल्कुल। तो इसकी रिपोर्ट वगैरह कहाँ से जरूरत आती है? नमूने देखिए, जांच के लिए वर्तमान में प्रदेश में 6 प्रयोगशालाएं हैं और अपने आजमगढ़ मंडल का नमूना जांच के लिए लखनऊ स्थित राजकीय प्रयोगशाला को भेजा जाता है और वहाँ से जांच रिपोर्ट आने के उपरांत गुण दोष के आधार पर यदि स्वास्थ्य के लिए उसमें कोई हानिकारक चीज़ मिली हुई है तो जेल और जुर्माना दोनों से दंडित होने वाला मुकदमा चलाया जाता है, और यदि स्वास्थ्य के लिए उसमें कोई हानिकारक चीज़ मिलाए जाने की या मिथ्या छाप खाद्य वस्तु होती है तो उस पर एडीएम कोर्ट से जुर्माने का मुकदमा चलाया जाता है विभाग द्वारा। आपके द्वारा छापेमारी की गई है, सैंपल लिया गया है, तो जनता को भी यह जानने का हक है। जनता ये चीज तो जानती है कि फूड सेफ्टी विभाग ने आज जो है छापा मारा, इतनी दुकानों पर जो है कार्रवाई की, नमूने जो है लिए, लेकिन आगे की जो कार्रवाई भी क्या नतीजा निकला ये नहीं जान पाती है। अब इसके लिए जैसे स्थानीय स्तर पर कि किसी व्यक्ति के फॉर्म पर विभाग द्वारा कब कौन सी प्रवर्तन की कार्रवाई की गई और न्यायालय से क्या दंडित किया गया, एक सामाजिक
जो हमारा ढांचा है उसके तहत उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, अन्यथा जब कभी भी पत्र प्रतिनिधि समूह के लोग इसकी जानकारी चाहते हैं उनको जानकारी विभाग द्वारा दी जाती है कि इतने लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, इतने लोगों पर इतने लाख का या इतने रुपए का जुर्माना हुआ, इन फर्मों पे हुआ, ऐसे विभाग कोई सार्वजनिक रूप से उसको प्रकाशित करके किसी का डिफेम करने की कार्रवाई करने का ये चाहती है कि भाई हम अपनी सेफ्टी के लिए, आप सरकार की तरफ से आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए कार्य करते हैं ताकि दुकानदार जो है किसी तरह का जो है मिलावट ना करने पाए, तो जनता भी का भी हक बनता है कि वो जाने की जो है। बिल्कुल जी, देखिए इसके लिए अब सरकार ने सचल खाद्य प्रयोगशाला नाम से एक इकाई संचालित की है जिसको FSW कहा जा रहा है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील, जिसमें ऑन स्पॉट एक चलती फिरती प्रयोगशाला चार पहिया वाहन पे बाजारों में विभाग के अधिकारियों द्वारा उसको स्थापित करके आम उपभोक्ता का और खाद्य विक्रेताओं का नमूने लेकर के जांचा जाता है और मौके पर ही बता दिया जाता है कि इस सामान में प्रथम दृष्टया किस चीज़ की मिलावट की गई है। तो धीरे धीरे जन जागरूकता FSW के माध्यम से भी विभाग द्वारा किया जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, जो आपकी टीम थी कितने लोग की टीम थी, कितने लोग शामिल? देखिए हमारे साथ टीम में मैं आजमगढ़ से सहायक आयुक्त खाद्य हूँ, हमारे मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं आजमगढ़ मंडल, जनपद के हमारे सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड सेकंड हैं, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं और जनपद बलिया के दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण साथ में हैं। धन्यवाद। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो बाजार में पकौड़े, समोसे व अन्य तैलीय खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें प्रयोग में लाए गए तेल का प्रयोग 3 बार से अधिक नहीं होना चाहिए, वैसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष नरेंद्र कुमार एवं साकिब अली, चौकी इंचार्ज मदन लाल अपने पुलिस बल के साथ इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। इतना बड़ा 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन लिए हो तो एक दिन में यदि चक्की चलाते हो तो कितना बनाते हो? एक कुंटल बना के मशीन, एक कुंटल तो उसके पेट्रोल में पाइप से चलेगा, चक्की तक नहीं आएगा। मैं नहीं रहता, पापा रहते हैं, पापा है नहीं। हाँ तो यही बताओ कि एक कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, यदि एक कुंटल बनाओगे साल का 100 रुपया, 10 कुंटल तक बनाओगे 3000, 10 कुंटल से ऊपर 1000 का। अरे सर, कुंटल का बने तो नहीं, 10 कुंटल से वह ले लो, 20 कुंटल का ले लो भाई, रहेगा तो कुत्ता थोड़े ना काट लेगा। हम ले लेंगे भाई, नेशनल परमिट लेके मैं यूपी बिहार में ही गाड़ी चलाऊँ, अरुणाचल प्रदेश ना ले जाऊँ। कोई सीआरटीओ पूछ सकता है कि क्यों आप अरुणाचल गाड़ी लेके नहीं है? यदि मुझे मिलेगा